तो हमने राजस्थान की 200 सीटें हैं कुल मिलाकर, 199 पर मतदान हुआ क्योंकि एक उम्मीदवार की मौत हो गई थी, तो एक सीट पर चुनाव नहीं हुए हैं। 38 का आकलन आपके सामने हमने रख दिया है, यानी कि 19% राजस्थान का आकलन आपके सामने। हाड़ोती में बीजेपी को बढ़त और शेखावटी में यहां कांग्रेस को बढ़त, तो यानी कि कोई ऐसी सेक्युलर ट्रेंड नहीं पकड़ में आती फिलहाल दिख रही है। ये शुरुआती मैं आंकड़े आपके सामने पेश कर रहा हूं। मेरे साथ विजय त्रिवेदी, इनसे कम ही बेहतर तरीके से समझ पाते हैं राजस्थान को, जबकि इन्होंने अपनी अधिकांश पत्रकारिता राष्ट्रीय स्तर पर की है। राकेश शुक्ला है मेरे साथ, दबंग दिबांग हैं, साथ ही साथ अभय दुबे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, रामकृपाल सिंह यहाँ पर सबसे ज्यादा तजुर्बे वाले, और विजय विद्रोही, नाम में ही विद्रोह है इनके, तो ये राजस्थान से जुड़ गए हैं। पर पहले विजय से पूछूंगा, हाड़ोती, ये कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, ये इलाका, वसुंधरा का इलाका और ओम बिरला का भी इलाका, और शेखावटी, दो अलग अलग इलाके, दो अलग अलग रुझान, क्या कह रहा है ये? दोनों रुझान बिल्कुल ठीक से हैं, क्योंकि शेखावटी पूरा का पूरा कांग्रेस का रीजन है, पिछली बार भी कांग्रेस ने अच्छा किया। यदि यहाँ भारतीय जनता पार्टी अच्छा करती है तो संभावना बनेगी उसकी सरकार बनने की, क्योंकि हाड़ोती तो भारतीय जनता पार्टी का ही क्षेत्र है हमेशा, मतलब पिछले 25-30 साल से देखें तो हाड़ोती हमेशा ही से वहाँ का क्षेत्र रहा है। और आपने जैसे जिक्र किया वसुंधरा जी का और ओम बिरला साहब का, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो दोनों इस इलाके से आते हैं। कोटा में कांग्रेस अच्छा करती है अगर शांति धारीवाल जी के लिए वो असमंजस ना बना रहे, क्योंकि शांति धारीवाल कोटा के बड़े आखिरी मिनट पर टिकट में आए हैं। और शेखावाटी में जो कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन है, कांग्रेस यदि यहाँ सर्वाइव करती है तो मुझे लगता है राजस्थान में अशोक गहलोत के लिए उम्मीदें बरकरार रहेंगी। दोनों इलाकों की तस्वीर, शेखावटी और ढूंढार दो इलाके हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छे करने, अभी ढूंढार पर भी आएंगे, लेकिन शेखावटी हाड़ोती के ये आंकड़े क्या कह रहे हैं विजय आपकी निगाह से? देखिए, दोनों ने अपना अपना गढ़ बचाया है। हाड़ोती बीजेपी का गढ़ है, जिस गढ़ को बचाया है बीजेपी ने, शेखावटी में कांग्रेस ने अपने गढ़ को बचाया। लेकिन 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी झेलने के बाद अगर कांग्रेस शेखावटी में अपने गढ़ को बचा रही है, जहां से लाल डेरी भी उपजी थी, वहां से कुछ और जाटों की नाराजगी की बात भी सामने आई थी, वहां आरएलपी ने भी कुछ दखल दिया था जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, उसके बावजूद दोनों जगह पर कहा जा रहा है ना कि राजस्थान में रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा, तो कम से कम इन दोनों लोगों ने कह दिया, दोनों गढ़ों ने कह दिया, शेखावटी रीजन ने और हाड़ोती रीजन ने, कि उनके यहाँ रिवाज बदलने वाला नहीं है, रिवाज बदलने वाला, या ये जल्दबाजी हो सकती है। अभी मेवाड़, मारवाड़ के इलाके भी हैं, दो दिग्गज हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ को मैं देख पा रहा हूँ, साथ ही साथ मंत्री भी थे, खाद्य और आपूर्ति मंत्री अशोक गहलोत सरकार में, प्रताप सिंह खाचरियावास वरिष्ठ नेता हैं, ये कांग्रेस के दोनों मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप थोड़ा सा सब्र और कीजिएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।